Hello friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. So friends, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मीठा आम पापड़ रेसिपी। अब मार्केट से तो सभी लोग खरीदते हैं, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कुछ तो नया सीख कर जाएंगे ना। तो इसीलिए आज जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया कीजिए ताकि उन तक भी इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। मैंने मीठा आम पापड़ और खट्टा आम पापड़ दोनों ही बनाए थे, लेकिन आज जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो मीठे आम पापड़ की है। अगर आपको काला आम पापड़ की रेसिपी भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, नेक्स्ट टाइम आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपके राइट हैंड साइड में दिया हुआ है ये सब्सक्राइब बटन, इस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका मैसेज सबसे पहले आपके पास आए। इसके लिए जरूरी है कि आप बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आ जाए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल फ्री है, आप बेफिक्र होकर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। हाँ, आम पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है कुछ आमी, जिसके अंदर कुछ कच्ची हैं और कुछ पकी हुई भी हैं। इसको आपको सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके ऊपर जो ये ब्लैक पार्ट होता है इसको रिमूव करना है। रिमूव करना बहुत जरूरी है और उसके बाद इसको पील कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कच्ची आमी भी हैं और कुछ ज्यादा पकी हुई भी हैं। तो आप दोनों ही आमी यूज कीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको केवल कच्ची आमी ही चाहिए। उसको कट करने के बाद जो भी इसके अंदर बीज हैं इसको निकाल दीजिए और इसको कट करके कुछ इस टाइप से पीसेस में कुकर के अंदर ऐड कर दीजिए। आप मीठी, ज्यादा पकी हुई या फिर कच्ची कैसी भी आमी ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मीठा आम पापड़ बना रहे हैं तो उसमें खट्टा मीठा जो टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने सारी की सारी आमी ले ली हैं। ये लगभग मेरे पास 750 ग्राम आमी है जिसके अंदर मैंने ऐड किया है लगभग 1/4 ग्लास पानी, मीन्स आधे ग्लास से थोड़ा ज्यादा पानी ऐड किया है। 4 से 5 विसल्स लेने के बाद आप देख सकते हैं आमी कुछ इस टाइप से पक गई है कि मैंने जस्ट इसको प्रेस किया और ये कट गई। उसके बाद आपको इसे करना है मिक्सर ग्राइंडर में चर्न, क्योंकि हमें इसका बनाना है एक स्मूथ पेस्ट। तो मैं सारी की सारी आमी को बिना पानी मिक्स किए मिक्सर ग्राइंडर में चर्न करूंगी। लगभग 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे और ये बहुत ही फाइन पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना है, लेकिन अगर आपको चर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप आधी या एक कटोरी पानी ऐड कर सकते हैं, नॉट एन इशू। इसके बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप से पेस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 कटोरी पेस्ट कढ़ाई में ऐड कर दिया है। जिस भी बर्तन में आपको ये बनाना है आम पापड़ उस बर्तन में ऐड कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर केवल 1 कटोरी पेस्ट लिया है और उसके अंदर ऐड किया है 1 कटोरी चीनी। बिल्कुल परफेक्ट मीठा इसमें हो जाता है, तो इसका जो टेस्ट आएगा वो थोड़ा खट्टा मीठा आएगा, मीन्स खट्टापन तो थोड़ा ही होगा, मीठा ज्यादा होगा। अगर आपको बहुत ज्यादा मीठा पसंद है तो आप इसके अंदर 1.5 कटोरी चीनी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है, लगातार चलाते रहना है और थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है ताकि ये देखने में बिल्कुल मार्केट के जैसा लगे। आप इसको लगभग 10 से 15 मिनट तक जब पकाएंगे तो ये कुछ इस टाइप का पेस्ट बन जाएगा और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जब ये इस टाइप से ट्रांसपेरेंट हो जाए और थिक हो जाए तो समझ जाइए आपका पेस्ट बिल्कुल रेडी है। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट ग्रीस कर ली है जिसमें हम इस पेस्ट को ऐड करने वाले हैं। आपको जिस भी बर्तन में इस पेस्ट को ऐड करना है उसको पहले ग्रीस कर लीजिए ताकि आम पापड़ अच्छे से निकल जाए। मैंने थोड़ा सा घी लगाया था, कुछ लोग तेल भी यूज करते हैं, लेकिन तेल मत यूज कीजिए, उसकी वजह से स्मेल आने लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारा का सारा पेस्ट एक प्लेट में ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ स्पून। आप देख सकते हैं पेस्ट की कंसिस्टेंसी क्या है, इसी कंसिस्टेंसी का आपको इसे रखना है। अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, उसके बाद आप इसे लगभग 2 दिन तक धूप में रख दीजिए। आप देखेंगे ये बिल्कुल परफेक्ट उसी आम पापड़ की फॉर्म में आ जाएगा। हल्का सा टैप कर दीजिए ताकि ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए। अब मैंने इसे धूप में रख दिया है 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद आप देख सकते हैं आम पापड़, वाओ यार कितना अच्छा बना है, जस्ट लुक एट दिस, कितना परफेक्ट इसका शेप आया है, कितना परफेक्ट इसका टेक्सचर आया है, वही बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो उसके बाद आप इसको मनचाही शेप में कट कर लीजिए और लीजिए आपका घर में मार्केट जैसा आम पापड़ बनकर है, बिल्कुल रेडी लग रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही आम पापड़। और सबसे बड़ी बात, हाइजीनिक है और नेचुरल आम के पल्प से बना हुआ है, मार्केट के जैसा नहीं कि आर्टिफिशियल कलर और केवल शुगर यूज की है, इसलिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी लगता है और बहुत ही परफेक्ट बना भी है। एक बार इस आम पापड़ को बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा, आई एम डैम श्योर आपको और आपके बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। उसके बाद आप इसके अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं। आपके पास कुकीज कटर हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप के, तो आप इसको इस टाइप से कट भी कर सकते हैं
और आप इसको लगभग एक साल के लिए स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, बिल्कुल फ्रेश बना रहता है। मैं हर साल इसको बनाकर इसी टाइप से स्टोर करती हूँ और बहुत ही जल्दी खत्म भी हो जाता है। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताइए कि आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए इस टाइप की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।